अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साहिल और आपसे मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। मस्जिदों में खुदाई हो रही है तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम संगठन है उनकी कमी है। आज वो खुदाई के लिए परमिशन दे देते हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, वो घेराव नहीं करते, ये मुस्लिम संगठन कमजोर है। आप एक गुरुद्वारे की ईंट तो लाके दिखाओ, आपको संसद की ईंट लाके दिखा देंगे। अपने मुसलमानों के जो उनके गुरु है मोहम्मद साहब है उनके लिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनका स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप ही लोग अपने गुरुओं के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज आपके देश के लिए आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। ये जो हमारे साथ हो रहा है इसका कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। हमारे नबी के बारे में गलत बोला जा रहा है हर कहीं, हमारे ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जो भी हम खामोश रहते हैं, हर कहीं खामोश रहते हैं। और तो कुछ करने का छोड़ा, और हमसे इतना भी नहीं हो पाता कि हम 5 वक्त की नमाज ही पढ़ने। हमारे आका ने हमारी आसानी के लिए 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त का करवा दिया, और हमने क्या किया, हमने नमाज ना पढ़ के हमने 5 वक्त की नमाज छोड़ने के लिए 50 मिनट के बहाने बना लिए। मुसलमानों ना करो ऐसा, ना करो अपने ऊपर जुर्म, वापस लौटो अपने रब की तरफ। वो रब जो हर सही पे कादिर है, जो हमें माफ़ करने वाला है।